बीच में लाइट चली गई थी फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ी काली होंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और से मैं आज ब्रेड रोल बना रही हूँ। और भी बोलूँगी कि आपने ब्लू कलर पहना है, मेरा फेवरेट कलर है ये ब्लू कलर, ठीक है? और से हाँ, मेरे को बहुत जन बोलते हैं कि दी आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू उनके लिए। और हाँ, मेरे को फॉरेन से कोई मैसेज आता है कि दी आप सिस्टर आपका नंबर दो, लेकिन मैं फॉरेन की जो भी लेडीज है उनको नंबर दूंगी, लेकिन मेरे को उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, इसलिए उन लेडीज़ के लिए है जो मैं मैसेज बोल रही हूँ, उन लेडीज़ के लिए है, इसलिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दे रही हूँ। मेरे को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएंगी तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे के करूँगी क्या? इसलिए सॉरी। ठीक है, चलो ब्रेड रोल बनाते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने ये दो आलू बॉईल करके रखी थी, उसको छील के मैं इसको बारीक चूरा कर लूँगी ऐसे। मैंने पैन चढ़ा दी हूँ और गैस भी चालू कर दी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस थोड़ा सा, ज़्यादा ही नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे, नहीं के बराबर ही डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ज़्यादा जीरा नहीं डाल रही हूँ, इतना जीरा डाल रही हूँ। देखो चटक गया, चटकने लगे तो हरी मिर्ची डालेंगे, ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं। और इसमें ये उबला हुआ आलू डाल रही हूँ, इसमें नमक डाल देती हूँ, थोड़ी हल्दी, और थोड़ा नमक, टेस्ट अनुसार नमक लीजिएगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा ऑयल डालना है नहीं इसको, थोड़ा ही ऑयल डालना है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ऑयल गर्म करने के लिए रख दी हूँ मैंने। और ये जो चटनी बनाई आलू की वो है, इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल दी हूँ, गर्म मच है, उसको और ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा, ठंडा होने के लिए रख देते 2-3 मिनट। पांच ब्रेड ली हूँ, ये ब्रेड का ये जो कॉर्नर वाला भाग है ये पूरा निकालना है, इसको हम पूरा निकालेंगे इससे ऐसे। मैंने ये रेसिपी पहले भी एक बार शेयर की हूँ, फिर से कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 5:30 शाम के, इसको पूरी निकाल देंगे ऐसे ही सारे के ऐसे। ये देखो मैंने सारे ब्रेड को निकाल के रख दी हूँ साइड कॉर्नर। अब ये आलू, आलू की जो चटनी है उसको हम छोटे छोटे रोल बनाएंगे, ऐसे ऐसे रोल, छोटे छोटे रोल बनाएंगे, ब्रेड जितनी बड़ी होंगी उतना बड़ा। अब ये पानी है, ये पानी है मैंने एक इसमें ली हूँ तो, और ये ब्रेड है, इसको पानी में डिप करना है ऐसे, पूरी तरह डिप करना है, और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है ऐसे। देखो इसका एक्स्ट्रा पानी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है? और जो जो रोल बनाया अपन अपने, ये रोल इसके ऊपर ऐसे रख देंगे ऐसे ऐसे, और इसको ऐसा बंद कर देंगे, ये बंद होती है गिल्ली होने के बाद। ऐसा हाथ से ऐसा उसको बंद कर देंगे, ऐसा ऐसा दबा देंगे, ये एक रोल बन गया है साइड में देख लो। अब दूसरी वाली बेस करेंगे डीप पानी में, पूरी तरह अच्छे से भीगने देंगे, और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे,
करके रोल को ऐसा रख देंगे इसके ऊपर, दोनों तरफ से ऐसी बंद कर देंगे। यस, फ्लेम कम करेंगे, ज़्यादा जल जाएंगे। दूसरा ब्रेड पानी में डाल के रखती हूँ। अभी ब्रेड ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ब्रेड ये रोल डाल देंगे, धीरे से डालना है पानी से लेना हमें तो। हमारे ब्रेड रोल हो गए हैं गोल्डन ब्राउन कलर के, अभी निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर में रखना है या पेपर में रखना है, मेरे पास दोनों नहीं है। तो कोई ये भी हो गए हमारे ब्रेड रोल, या साफ कर देते हैं। ये देखो ब्रेड रोल, इसको टमाटर सॉस के साथ खाइएगा। मेरे को टमाटर सॉस पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो टमाटर सॉस नहीं निकाली है मेरे पास, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है, वेस्टेज जाएगा बाहर निकालूंगी तो। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।